जनता पार्टी के बिपरला विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रेम गोचर जी, भक्ति और शक्ति की धारा राजस्थान की इस पावन भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब राजस्थान के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, नजदीक से देखते हैं, तो मुझे यहाँ के वीर वीरांगनाओं के, यहाँ के त्यागी और बलिदानियों के इतिहास प्रसिद्ध वे कथा और कहानियां हमारे सामने आने लगती हैं, जिनसे देश प्रेरणा लेता है। आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे राजस्थान के जवान पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा के माध्यम से अभय प्रदान करते हैं। तो यहाँ के किसान, यहाँ के समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए नागरिक राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अपनी कला, अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को भी एक नया आयाम प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, पूरे राजस्थान में परिवर्तन एक नई बहार है। राजस्थान के लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा, और भाइयों बहनों, उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आया हूं। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों में एक नया उत्साह है, एक नया उमंग है, एक नई तरंग पूरे देश के अंदर चल रही है, एक नए भारत का दर्शन पूरा भारत कर रहा है, भारत की 142 करोड़ की जनता कर रही है। भाइयों बहनों, ये नया भारत वैश्विक स्तर पर जिस भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है, आज भारत को लोग एक विश्वसनीय देश और सहयोगी के रूप में सम्मान दे रहे हैं, और पीड़ित मानवता को अभय प्रदान करने के एक देश के रूप में जहां कहीं अशांति होगी भारत की तरफ लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये नया भारत है, एक और दुनिया को शांति का संदेश देने वाला, और दूसरी तरफ दुश्मन की टेढ़ी आंखों को निकालने की हिम्मत करने वाला भारत भी है। भैया बहनों, कितनी अद्भुत क्षमता है भारत की। एक तरफ हम शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ दुश्मन को उसके बांध में घुस करके ठिकाना लगाने का साहस भी आज भारत के जवानों के अंदर है। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात सही मायने में रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं थी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का अवसर मिला राजस्थान में, और गत 5 वर्ष का कार्यकाल भी राजस्थान के लिए है। बहुत लंबा समय नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले के 5 साल
वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और कांग्रेस नेतृत्व की से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो भाइयों बहनों आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही थी, कार्य करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो अपने अंतर कलहों के कारण जहां तहां अव्यवस्था, अराजकता, विकास के बैरियर के रूप में ही राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के अंदर जानी जाएगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस समस्या का नाम है, देश की समस्या का नाम है। देश के अंदर जो आतंकवाद है ये कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, ये गुंडागिरी कांग्रेस की देन, ये माफियागिरी ये कांग्रेस की देन। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस इस समस्या का बोझा है और भारतीय जनता पार्टी देश की समस्या का समाधान का नाम है। समाधान भाजपा है, मोदी है, समस्या का समाधान मोदी जी के माध्यम से हुआ है और होगा भी। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आतंकवाद की जड़ कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, आस्था के साथ खिलवाड़। कैसे? हिंदू मंदिरों को एक समय में मुगल कालखंड में अपवित्र करके, क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके वहां गुलामी के ढांचे खड़े कर दिए गए थे। अयोध्या में ही आपके सामने अयोध्या उदाहरण है, 500 वर्ष पहले बाबर के समय राम मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया गया। हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस की सरकारें अत्याचार करती थी, हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते अरे कैसे बना देंगे। हम लोगों ने तब नारा लगाया था रामलला हम आएंगे पहले ढांचा हटाएंगे, और ढांचा हट गया तो उसके बाद फिर नारा दिया रामलला हम आएंगे अब मंदिर यही बनाएंगे। फिर कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या ये संभव हो पाएगा। और भाइयों बहनों, आज आप में से किसी को संदेह है क्या कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। अयोध्या जाने की इच्छा है क्या? कितने लोगों की इच्छा है? मैं तो सरफरा राजस्थान ही आना चाहता है। भाइयों बहनों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला विराजमान होंगे। और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, इसी के लिए आया हूं आज आपका आमंत्रण देने के लिए भी। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, एक ओर कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, देश के विश्वास के साथ घात करती थी, और दूसरी तरफ गरीब का भी जो हक था उसको छीन लेती थी। अब याद करिए, जो मोदी जी ने 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाया, कांग्रेस भी तो बना सकती थी। मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए, ये कांग्रेस के समय में भी हो सकता था। मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई, कांग्रेस भी कर सकती थी।
10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन दिलवाया, कांग्रेस भी कर सकती थी। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर पूरे देश के अंदर दिया, कांग्रेस भी कर सकती थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कांग्रेस भी कर सकती थी, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस तो एक ही बात करती थी, कांग्रेस एक ही बात करती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, बोलती थी ना, यही तो बोलती थी ना। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, दलित का है, वंचित का है, पिछड़े लोगों का है, समाज के हर तबके का है। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ और सबका विकास का नारा ही है राम राज्य की अवधारणा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब बाढ़, अतिवृष्टि, कोई आपदा आती है, कांग्रेस के नेता गायब हो जाते हैं, किसी का पता नहीं लगता। पिपलदा से लेकर के और दिल्ली तक सब नेताओं के यही हाल है, कोई इटली जाता है और कोई बूंदी जाता है, कोई जयपुर में बैठा रहता है। कोरोना में भी नहीं आए होंगे और अतिवृष्टि में भी नहीं आए होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को, जिन्होंने यहाँ पे अतिवृष्टि के समय घर घर राहत सामग्री वितरित करने की स्वयं निगरानी की। यहाँ की राज्य सरकार विफल हो गई थी, अपने विदेश दौरे को स्थगित करते हुए सीधे कोटा आए और कोटा में आकर के पिपलदा, सागोद, कोटा, इन सभी क्षेत्रों में घूम घूम करके उन्होंने हर व्यक्ति का ध्यान रखा, बिना भेदभाव के शासन की योजना को पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, ऐसे लोग भी हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए और इसी के लिए आज आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद पूरा देश अयोध्या दर्शन करने के लिए आएगा और इसमें पिपलदा और सागोद से भी अगर दर्शन करने के लिए आना है तो मैं अभी से श्री प्रेम गोचर जी को और श्री हीरालाल नागर जी को बोल दे रहा हूँ, आप इनको जयपुर पहुंचाइए और ये यहाँ से आपको फिर अयोध्या का सैर कराने जाएंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ लाकर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ लाकर के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।